आज अपनी फलाहारी रेसिपी में बनाते हैं साबूदाने की खीर। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान है, उसे टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। साबूदाने को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। पानी थोड़ा सा साबूदाना से ऊपर, यानी कि इसके ऊपर तक बस कर दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो ये देख सकते हैं, ये फूल गया है। तो बस इतना ही हमें पानी डाल के इसे आधे घंटे के लिए भिगोना है। यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है और दूध को उबालने के लिए रख दिया है। तो दूध भी हमारा उबल गया है और अब मैं इसमें अपने भीगे हुए साबूदाने को डाल देती हूँ। साबूदाने को आप भिगा कर रखेंगे तो बहुत ही झटपट से ये खीर बन जाती है और काफ़ी हेल्दी होती है, क्योंकि हमें 9 दिन के व्रत में 9 दिन का फास्ट रखना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा हेल्दी खाना खाएं। साबूदाने में और दूध में आप जानते हैं कितनी अच्छी मिकदार में कैल्शियम, आयरन, इन ये सारी चीज़ें होती है, जिससे कि हम अपने फलाहारी में इन्हें शामिल करते हैं। तो इसे हम इस तरह चलाते हुए पकाने में हमें 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने साबूदाने को पहले से भिगो रखा है। साबूदाना हमारा देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, शीशे की तरह आप देख सकते हैं। ये साइन है कि हमारा साबूदाना पक गया है, तैयार हो गया है। अगर आप नहीं पका रहेगा तो बीच में यहाँ पे थोड़ा सफ़ेद दिखता है, अभी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं, ये एकदम पक गया है। 3 से 4 मिनट मुश्किल से लगा है इसे पकाने में, और पक जाने के बाद ही आपको इसमें चीनी डालना है। तो अब मैं डाल लेती हूँ चीनी, जो कि आप मीठा आप अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिए, कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम ही डालिए। तो मैंने अपने खीर के हिसाब से मीठा डाला है। तो चीनी के साथ भी हमको 2 मिनट के लिए इसे पका लेना है, क्योंकि चीनी डालने पे थोड़ा सा ये पतला भी होगा। वैसे तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो जमसा जाता है, तो इसलिए आप इसे पतला ही उतारिए। तो ये देखिए तैयार हो गया है। तो इसमें अब मैं डाल लेती हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर, जिसे मैंने कूट लिया है, और डाल करके बस हम अपने गैस को बंद कर देते हैं और चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। एक तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट काट रखा है। इसमें थोड़ा सा बादाम है, नारियल है, थोड़ा सा मैंने छुहारे ले लिया है और थोड़ी सी किशमिश ले ली है। तो इसे मैं डाल लेती हूँ और डाल करके थोड़ा सा घी में इन्हें भून लेती हूँ। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं। और अब मैं अपने खीर में इसे डाल लेते हैं, एक बार मिक्स कर लेते हैं हम अपने खीर को। कटोरियों में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है केसर, केसर का धागा ऊपर से डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये साबूदाने की खीर है। आप व्रत में अपने फास्ट में इस खीर को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है। तो रेसिपी अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाया कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।